चलिए इसी बीच सीधा रुख करेंगे झारखंड के जमशेदपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं प्रचार प्रसार के लिए। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। भी देता हूं बहन और भाइयों, झारखंड विधानसभा का चुनाव चल रहा है और यह भी तय है जो उत्साह झारखंड के अंदर है, जैसे हरियाणा की जनता जनार्दन ने तय किया कि हमें डबल इंजन की सरकार लानी है, ऐसे ही झारखंड का उत्साह बताता है कि झारखंड में भी डबल इंजन की एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अवश्य आएगी। और उसी के लिए जमशेदपुर इस्पात नगरी में आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं अभी कुछ देर पहले हजारीबाग में था, वहां पर मुझे लोगों ने बताया कि जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर आई है, तब से इसने यहां पर घुसपैठ प्रारंभ करवा दिया है, यहां की डेमोग्राफी को चेंज करना प्रारंभ कर दिया है। और यही नहीं, चाहे वह दुर्गा पूजा हो या रामनवमी के जुलूस, उन पे पथराव होते हैं, शासन भी हमारे जुलूस और हमारी शोभा यात्रा को निकालने से रोकती है और उपद्रवियों को प्रश्रय देती है। तो मैंने उन लोगों से कहा, ये पत्थरबाज हो या उपद्रवी, इन सब का उपचार केवल एक है और वह है भाजपा को लाइए और सुरक्षित यात्रा को आगे बढ़ाइए। बहन और भाइयों, कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक नए भारत का दर्शन कर रहा है, जिसमें समृद्धि भी है तो सुशासन भी है, जिसमें विकास भी है और विरासत भी है। कभी कभी लोगों को लगता है कैसे होगा, वैसे ही होगा जैसे एक कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग क्या कहते थे, जी प्रधान कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, क्या कहते थे, राम हुए ही नहीं, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2017 में, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनी, मात्र 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। 22 जनवरी 24 को आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि पर फिर से विराजमान हो गए। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसका सीना गर्व के साथ न फूला हो। सबने इस बात का एहसास किया है, ये नया भारत है, जो बोलता है वह करता है और जितना जितना करता है उतना ही बोलता है। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था, तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है,
खून की नदियां नहीं बहने देता है, जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। वहां आज कुछ भी दंगा नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है, बड़ी बड़ी शोभा यात्रा वहां निकलती है। हमारे जो माननीय करमवीर जी हैं, संगठन महामंत्री के रूप में यहां काम कर रहे हैं, इससे पहले यूपी में ही संगठन महामंत्री के रूप में काम करते थे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां पर 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं, 4 करोड़ लोग। बहनों और भाइयों, ये 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहन और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता, और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है। आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में कितना परिवर्तन हुआ, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। एक ओर मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ एनडीए सरकार कार्य कर रही है, न गांव न गरीब न किसान न नौजवान न क्षेत्र न भाषा न जाति, इसके नाम पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हो गए, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन मिल गए। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिल गया। और यही नहीं, कोरोना में जब पूरी दुनिया पस्त थी, तब मोदी जी ने उस समय पूरे दुनिया के लोगों के सामने भारत का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। और मार्च 2020 से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा अकेले भारत दे रहा है, अकेले भारत। याद करिए पाकिस्तान की आबादी है 23 करोड़, भीख का कटोरा लेकर के पाकिस्तान घूम रहा है दुनिया के अंदर। 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी होती है, और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करवा रहा है। अभी मोदी जी ने कहा है, और जो कहा था वो किया है, कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को, वह किसी भी इनकम ग्रुप का हो, उन्हें फ्री में हर वर्ष 5 लाख रुपए के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। घोषणा हो गई, लागू भी हो गया है। एक तरफ यह, दूसरी तरफ हाईवे बन रहे हैं, रेलवे,
मेट्रो, एयरपोर्ट, वाटरवे, ग्रामीण सड़कें बन रही है, स्टेडियम बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एम्स, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना लागू हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आपने देखा होगा मोदी जी ने कहा 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दूंगा और मिशन रोजगार के अंतर्गत 10 लाख लोगों को मोदी जी ने तत्काल सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार थी, किसान आत्महत्या करता था, आज किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। हमारा युवा नए नए स्टार्टअप स्थापित कर रहा है, यूनिकॉर्न स्थापित कर रहा है। डिजिटल इंडिया की क्रांति ने भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार किया है और उसी जोरदार प्रहार के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। आपसे कहने के लिए बहनों और भाइयों, ये जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये गठबंधन जो झारखंड के अंदर है, ये विकास के लिए नहीं है, ये विनाश के दूत है, विनाश के दूत। ये भ्रष्टाचार के फरिश्ते हैं, इन्होंने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार को पनपाया है। लोग कभी कभी कहते हैं, मुझसे कहते हैं, योगी जी आप माफिया के खिलाफ इतना ज्यादा क्यों हैं? मैं कहता हूं भाई, ये गरीबों का खून चूसते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं, अराजकता फैलाते हैं और झारखंड में बालू माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया और अब तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को यहां पे घुसा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने यहां पे लव जिहाद और लैंड जिहाद को भी यहां पर डेमोग्राफी चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा बना दिया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप देखेंगे कई क्षेत्र झारखंड कैसे हैं। अभी हाल ही में झारखंड के माननीय न्यायालय को चिंता व्यक्त करनी पड़ी थी कि संताल क्षेत्र में एक बार इस बात की जांच करो कि वहां पर जनजातीय की आबादी 42% से घटकर के 28% क्यों हुई और ये लोग गए कहां, ये बड़ी आबादी कैसे दूसरे समुदाय की हो गई है। और वही आपका आगाह करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए। ये चुनाव सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में जिस मनसा के साथ झारखंड का निर्माण किया था, उन भावनाओं को सम्मान देने के लिए एक विकसित और सुरक्षित झारखंड की स्थापना के लिए, जो अपने संसाधनों के बल पर यहां के युवाओं को काम दे सके, किसानों के चेहरे पर खुशहाली ला सके, बहन और बेटी को स्वावलंबन और सम्मान का जीवन जीने के लिए आगे बढ़ा सके, जहां के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, याद करिए ये जमशेदपुर आजादी के पहले का इस्पात नगरी के रूप में विख्यात है। 1907 में यहां पर टाटा स्टील का ये प्लांट स्थापित हो गया था और लगातार यह देश के विकास में तो अपना योगदान दे रहा है, लेकिन स्वयं झारखंड गरीबी का दंश आज भी झेल रहा है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं बहनों और भाइयों, झारखंड के पास एक अवसर है और वह अवसर है
कि जाति के नाम पर नहीं, किसी अन्यवाद के आधार पर नहीं, हमें केवल और केवल राष्ट्रवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को चुनना है, जेडीयू को चुनना है, एनडीए को चुनना है। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहन और भाइयों, एनडीए ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, भाजपा के हैं, जेडीयू से हैं, आसजू से हैं, और ये प्रत्याशी चुनावी समर में आपके बीच में हैं। एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। तो वैसे ही झारखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने, इसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए कि जो गलती 5 वर्ष पहले हुई है वह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आज हरियाणा ने जो संदेश दे दिया है कि डबल इंजन सरकार ही एकमात्र विकास और सुशासन का एकमात्र माध्यम बन सकती है, और उस डबल इंजन सरकार को भी झारखंड के अंदर लाने के लिए मैं आप सभी झारखंड वासियों का, जमशेदपुर वासियों का आह्वान करने के लिए आपके बीच आया हूं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपने प्रत्याशी आपके बीच में उतारे हैं। श्री सरयू राय जी को पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से जदयू के एनडीए के प्रत्याशी के रूप में यहां पर उतारा गया है। पोटका से श्रीमती मीरा मुंडा जी हैं, पूर्वी विधानसभा से जमशेदपुर से श्रीमती पूर्णिया साहू जी हैं, और जुगसलाई से श्री रामचंद्र सहीस जी हैं। ये 4 प्रत्याशी हैं, इन चारों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, होगा। इन चारों को अपना आशीर्वाद देने के लिए याद करना, एनडीए ने आपके लिए पंच प्रण की घोषणा की है, 5 गारंटी आपको देने की घोषणा की है। ये 5 घोषणाएं हैं जो कही गई है। 1, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने कहा है लक्ष्मी जोहार योजना, सभी घरों में 500 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर उपलब्ध करवाने, और उसमें भी वर्ष में 2 बार एक एक सिलेंडर 2 बार उपलब्ध, फ्री में उपलब्ध करवाने का काम भी होगा। गोगो दीदी योजना, झारखंड की हर महिला के बैंक खाते में हर महीने की 11 तारीख को 2,100 रुपए तक की वित्तीय सहायता उसके अकाउंट में चली जाएगी। ₹21,00,000 परिवारों को मिलेगा अपना घर, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास 21,00,000 लोगों को फिर से यहां मिलेगा, और सभी परिवारों को जो भी झारखंड का नागरिक होगा, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या को नहीं, झारखंड का जो होगा, भाजपा और एनडीए की सरकार आएगी तो घर निर्माण के लिए फ्री में बालू उपलब्ध होगी। युवा साथियों के लिए जिन्होंने स्नातक किया है या स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर ली है, 2 वर्ष तक हर माह 2,000 रुपए का उनको भत्ता प्राप्त होगा। युवाओं के लिए 5 वर्ष में 5,00,000 स्वरोजगार,
287,000 खाली सरकारी पदों पर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और पहली कैबिनेट की बैठक में नवंबर 2025 तक 1.5 लाख भर्तियों को पूरा करना, यह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गारंटी आप झारखंड वासियों के लिए है। और इसलिए बहनों और भाइयों, सुशासन और समृद्धि के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आवश्यक है। आपका आशीर्वाद भाजपा और एनडीए को प्राप्त हो, इसके लिए विकास और विरासत का वाहक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को भारी बहुमत से विजयी बनाने के अपील आप सबसे करते हुए आप सभी को, पूरे झारखंड वासियों को मैं छठ महापर्व के आज से शुरुआत हो रही है इसकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मैं अनुरोध करूंगा संजीव सिंह जी से कि वह धन्यवाद ज्ञापन करें। तो झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में लगातार स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जिस तरीके से नाम शामिल सीएम योगी का, इससे पहले कोडरमा में उन्होंने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की और जमशेदपुर पहुंचे सीएम योगी जमकर गठबंधन पर निशाना साधा।